एक समय था जब दिल्ली में रहने वाला यह आम लड़का, जिसको ना कोई जानता था ना ही कोई पहचानता था, और आज वो इतना मशहूर हो चुका है कि इसे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनकी एक्टिंग का लोहा माना जाता है, और आज उनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में की जाती है। जिस इंसान के पास मुंबई आने पर जेब में रुपए तक नहीं थे कि वो रात का खाना खा सके, आज उस शख्स यानी शाहरुख खान के पास कुल नेटवर्थ 6,000 करोड़ है। जिसके पास रहने को एक समय छत नहीं थी, आज उनके पास मन्नत जैसा लग्जीरियस घर है। एक ऐसा समय था कि शाहरुख खान को घर जाने के लिए किराए के पैसे नहीं थे, और आज उस शख्स के पास अपना कई लग्जीरियस गाड़ी है और अपना प्राइवेट जेट भी है। शाहरुख खान ने यह साबित कर दिया है कि मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से यह एक आम लड़का अपने जुनून और काबिलियत के दम पर आज करोड़ों लोगों के दिल पर राज कर रहा है। इस प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत 2 नवंबर 1965 से होती है। दिल्ली के एक मुस्लिम परिवार में शाहरुख खान का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम मीर ताज मोहम्मद था, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनकी माँ का नाम लतीफ फातिमा था। वैसे तो भारत पाकिस्तान के अलग होने से पहले उनका परिवार पेशावर में रहता था, लेकिन 1948 में जब विभाजन हुआ तो उनके पिता अपने परिवार के साथ दिल्ली में आकर बस गए, और शाहरुख खान का बचपन दिल्ली के राजेंद्र इलाके में बीता, जहां उनका परिवार एक किराए के घर में रहता था। शाहरुख खान के पिता एक रेस्टोरेंट चलाया करते थे। शाहरुख खान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के कोलंबिया स्कूल से की। पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से शाहरुख खान ने स्कूल में सबसे बड़ा अवार्ड सोर्ड ऑफ ऑनर भी जीता। शाहरुख के पिता ताज मोहम्मद खान दिल्ली में एक रेस्टोरेंट चलाया करते थे, लेकिन शाहरुख खान के जीवन में दुख का पल तब आया जब शाहरुख खान 16 वर्ष के थे और उनकी पिता की मृत्यु हो गई। पिता के मरने के बाद शाहरुख खान के पास परेशानियों से लड़ने के लिए बहुत जज्बा था, और कुछ समय वो पढ़ाई करते रहे तो कुछ समय अपने पिता का रेस्टोरेंट चलाया करते। उस समय शाहरुख खान के लिए बहुत ही दुखद समय था। अक्सर शाहरुख खान जब अपनी माँ और बहन को देखते तो रो दिया करते थे, लेकिन शायद यही वो समय था जो शाहरुख खान को मुश्किल की घड़ी में लड़ने के लिए और मजबूत बनाया जा रहा था। स्कूली दिनों में नाटक करते और रामलीला तक में उन्होंने काम किया अपने घर खर्च चलाने के लिए। शाहरुख खान को पहला रोल दिल दरिया में देखा गया, लेकिन कुछ प्रोडक्शन परेशानियों के चलते वह टीवी सीरियल एक साल के बाद रिलीज की गई। लेकिन इसी बीच शाहरुख खान ने फौजी नामक सीरियल में काम कर लिया, और इस प्रकार पहली बार शाहरुख खान सीरियल फौजी के माध्यम से टेलीविजन पर आए। उसी समय शाहरुख खान को प्रेम हो गया गौरी से। गौरी और शाहरुख खान एक दूसरे को काफी समय से पसंद कर रहे थे, लेकिन गौरी के घर वाले इस शादी से खुश नहीं थे। उनका मानना था कि एक्टिंग में कोई करियर नहीं है, और अगर गौरी की शादी शाहरुख से कर देते हैं तो गौरी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसी बीच शाहरुख को सबसे बड़ा झटका लगा जब 1991 में उनकी माँ को भी मृत्यु हो गई, और कुछ दिनों बाद गौरी के घर वाले मुंबई उन्हें लेकर आ गए, और फिर शाहरुख खान भी अपने सपनों को शहर मुंबई आने का फैसला किया। दरअसल मुंबई आने का कारण तो गौरी तो थी, लेकिन शाहरुख जानते थे कि फिल्मी दुनिया में अगर कुछ बड़ा करना है तो मुंबई जरूर जाना होगा। मुंबई जाकर उनकी किस्मत ने भी उनका साथ दिया, और एक्टिंग को देखते हुए उन्होंने कई सारे फिल्मों में काम करने को मिल गया, जैसे कि सबसे पहले उन्होंने हेमा मालिनी के डायरेक्शन में दिल आसना के नाम की फिल्म शूटिंग की। यह हेमा मालिनी का एक डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू फिल्म था, लेकिन 1992 में रिलीज दीवाना मूवी शाहरुख खान की डेब्यू फिल्म बनी। इस मूवी में उनके साथ उस टाइम की स्टार एक्ट्रेस जो थी दिव्या भारती थी। फिर दीवाना हिट साबित हुई और शाहरुख खान को बॉलीवुड करियर को एक अच्छा स्टार बना दिया। बाजीगर में उनके अलग किरदार और शानदार एक्टिंग की वजह से फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर मिला, और इस तरह से बॉलीवुड में कदम रखकर सिर्फ 2 साल में ही शाहरुख खान ने अपनी एक्टिंग के जरिए पूरी दुनिया में लोहा मनवाया, और उसी समय गौरी का हाथ मांग लिया, और तमाम परेशानियों से जूझते हुए आखिर दोनों शादी के बंधन में बंध गए। आगे भी शाहरुख खान कई फिल्मों में खलनायक का रोल निभाते नजर आए। कोई भी अपने शुरुआत समय में खलनायक वाले किरदार से बचता था, पर शाहरुख खान उनके विपरीत काम कर रहे थे, और वो हर मुश्किल से मुश्किल रोल को निभाकर लोगों के बीच मशहूर होते जा रहे थे। 1995 में शाहरुख खान ने लगभग 6 से 7 फिल्में की,
जिसमें उन्होंने सफल करण और अर्जुन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे साबित हुई। और ये वही मूवी थी जिसके बाद शाहरुख खान की इमेज एक रोमांटिक छवि बन गई। इस फिल्म में कुल 10 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। उसके बाद शाहरुख खान एक के बाद एक हिट फिल्म देते गए। मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम और देवदास जैसी उन्होंने लगातार कई सारी हिट फिल्में की। फिर आगे उन्होंने स्वदेश, वीर जारा, पहेली, डॉन, चक दे इंडिया, माय नेम इज खान, रावण, ऐसी करके बहुत सारे फिल्में की। शाहरुख खान सिर्फ और सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन भी हैं। वे रेड चिली एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के मालिक भी हैं। साथ ही वे जूही चावला और उनके पति के साथ पार्टनरशिप में IPL टीम के कोलकाता नाइट राइडर्स KKR के मालिक हैं। फिलहाल शाहरुख खान की कुल संपत्ति लगभग 6,000 करोड़ के आसपास मापी जा रही है, जिस वजह से वह दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। शाहरुख खान का एक फिल्म का डायलॉग है कि जिस चीज़ को शिद्दत से चाहो उसको पूरी कायनात मिलाने में जुट जाती है, और आज उन्होंने इसको साबित कर दिया है। उन्होंने जो चाहा है ज़िंदगी में वो सब कुछ पाया है।